भाइयों के। तो फिर इस तरह आग बन के क्या सोच रहे हो? परिणीता के लिए प्रे कर रहा था ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा, मैंने पहले तो तुम्हें कभी किसी के लिए प्रे करते हुए नहीं देखा। Really? मैं ऐसे अक्सर करता हूँ, शायद तुमने कभी जाना ही नहीं। पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करती रहती, कभी भगवान से अपने लिए भी कुछ मांग लिया करो। मांगी तो रही हूँ, माफी। माफी? आखिर जो कुछ भी परिणीता के साथ हुआ है वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। निम्मो, तुम भी ना, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? और हर चीज के लिए अपने आप को दोष देना जरूरी है क्या? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कोई भी कसूर है इसमें। कैसे पता चलेगा कुणाल? तुमने मेरे लिए तो कभी प्रे नहीं किया। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो बिना कुछ जाने? You're right, कुणाल। तुम्हारे बारे में बहुत ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं जानती, और मेरे बारे में तुम नहीं जानते। बिल्कुल सही कहा तुमने, हम दो अजनबियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। इट्स अमेजिंग। ये बात हमने जानी है शादी के एक साल बाद। तो क्या इतना मुश्किल हो गया मेरे साथ रहना कुणाल? तुम्हारे साथ रहना मुश्किल नहीं है नताशा, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूं ना, तो मैं नहीं रहता। कितना हल्का महसूस करती हूं मैं तुम्हारे साथ। तू मेरे सबसे अच्छे दोस्त पलाश। थैंक्स। सिर्फ थैंक्स बोलती हूँ, कभी थैंक्स के साथ गिफ्ट भी दिया करो। मेरा दिवाली गिफ्ट अभी तक नहीं मिला मुझे। तुम सोचो, मुझे किसी भी वक्त हॉस्पिटल से फोन आ सकता है, वहां जाना होगा। मैं गेस्ट रूम में कुछ फाइल्स चेक कर लूं। कल तुम ऑफिस आ रही हो ना? ऑफिस आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। परिणीता की इस हालत में मुझे नहीं लगता मैं ऑफिस आ पाऊंगी, और बेचारी उसकी माँ अकेले इतना सब कुछ कैसे करेगी? ठीक है, तुम रहने दो, मैं संभाल लूंगा, खुशी से संभाल लूंगा। खुशी से? अमीन, अगर तुम नहीं रहोगी तो ऑफिस में थोड़ा फ्लर्ट करने का चांस मिलेगा, तुम्हारे रहते थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अरे स्वाति, अरे निम्मो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी दोस्त है ना परिणीता, उससे मिलने आई। तो फिर तुम इस वार्ड में क्या कर रही हो? वो मैं नहीं जानती थी ना कि वो किस वार्ड में है, तो मैंने सोचा कि मैं जाकर पूछ लूं। निमो, मैं चलता हूँ, बाय। बाय स्वाति। स्वाति, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम थोड़ी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। परिणीता कैसी है? चलो मैं तुम्हें उससे मिलाती हूँ। नताशा, कुछ पता चला? अब कैसी है परिणीता? नहीं दादी, अब तक कुछ पता नहीं चला।
मैं फोन करके देखती हूँ। कुणाल को जरूर कुछ आइडिया होगा। कुणाल, परिणीता कैसी है? अब तो कुछ पता नहीं चला। निम्बू को तो पता होगा ना, वो कल रात से वहीं पर है, राइट? हेलो, परिणीता कोमा में चली गई। ये तो बहुत बुरा हुआ, इससे तो केशव के खिलाफ केस और भी मजबूत हो जाएगा। अब कुछ तो करना होगा। केशव को अगर जेल जाना पड़ा तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। हम परिणीता की माँ को कुछ पे कर देंगे, उनको भी कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाएगी और यहाँ पर केशव का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। एक बार परिणीता की माँ का मुंह भी बंद हो जाएगा तो निम्मो भी कुछ नहीं कर पाएगी। बिल्कुल नहीं। कल ही हमने डिसाइड किया था कि केशव को उसकी सजा मिलनी चाहिए, कोई उसकी मदद नहीं करेगा। आइए इंस्पेक्टर साहब। मेरे पास अरेस्ट वारंट है मिस्टर केशव सहगल के लिए। ये ठीक नहीं हुआ कुणाल, तुम गलती कर रहे हो। उस निम्मो ने पट्टी बांधी है तुम्हारी आंखों पर, तो ऑब्वियसली तुम वही देखोगे जो वो दिखाई। मिस्टर कुणाल, इस केस की रिपोर्ट आप ही ने लिखवाई थी ना? इसके लिए आपको भी एक बार पुलिस स्टेशन आना होगा। कुणाल बेटा, तुम वही करना जो तुम्हें ठीक लगे, बगैर ये सोचे कि मुझे कैसा लगेगा। मैं जानती हूं कि तुम्हारा फैसला कभी गलत नहीं होगा। निमो की बात मानने में कुणाल ने कुछ वक्त नहीं लगाया और मेरी बात सुनने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं है। उसके एक इशारे पर कुणाल ने अपने कजन को अरेस्ट करवा दिया, अपने नाम की भी परवाह नहीं की। और यह पूरा परिवार जो समझाना चाह रहा है, कुणाल समझना भी नहीं चाहता। निम्मो का कहा हर एक शब्द कुणाल के लिए अहमियत रखता है और आज कुणाल और मेरे बीच कहने के लिए कुछ नहीं रहा। कुणाल और नताशा की शादी में ना सिर्फ मुझे दरार नजर आ रही है, बल्कि उम्मीद की किरण भी दिखाई दे रही है। अगर निम्मो को नताशा कुणाल के बिगड़ते रिश्ते का जिम्मेदार ठहराया जाए तो धीरे धीरे सारा परिवार उससे मुंह मोड़ लेगा और तब डैडी जी भी मजबूर हो जाएंगे निम्मो के नाम पर रखी सारी दौलत को वापस घर में लाने। तब आएगी घर में लक्ष्मी और होगी घर वालों के लिए असली दिवाली। टेस्ट की रिपोर्ट्स थोड़ी देर में आ जाएंगे, डॉक्टर्स तभी बता पाएंगे कि परिणीता की कंडीशन कैसी है। परिणीता के इस हाल के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मुझे उसे पार्टी में नहीं ले जाना चाहिए था, ना वो पार्टी में जाती और ना उसके साथ ये हादसा होता।
परिणीता वो अब कैसी है? कुछ टेस्ट नहीं है, उनके रिपोर्ट अभी आना बाकी है। मुझे नहीं खाना। ये तुम्हारी टैबलेट्स है, जल्दी खा लो, चलो। मैंने खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे इनका टेस्ट पसंद नहीं है। टेस्ट पसंद नहीं है? गुनाह, ये कोई आइसक्रीम नहीं है जिनकी फ्लेवर तुम्हें चूज करनी है, जल्दी खा लो, चलो। तुम्हें उसे क्या, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। क्यों, तुम्हें इस टैबलेट से एलर्जी है क्या? मुझे टैबलेट से एलर्जी नहीं, स्टूपिड लोगों से एलर्जी है, समझी? मेरा आइस पैक दो। क्या कर रही हो तुम? सॉरी सॉरी सॉरी। स्टॉप इट। आई सेड स्टॉप इट। अब तो मैं सिर्फ बीमार हूँ। अगर तुम ऐसे यहाँ रही ना, तो मैं पागल हो जाऊँगा। तो प्लीज लीव मी, लीव मी। ओके। तो रहो बीमार, ऐसे ही। सॉरी कुनाल। कुनाल? तुम यहां? मुझे लगा तुम मेरे लिए स्माइल कर रहे हो। हाँ, मैंने सोचा मैं परिणीता से आके मिलूं। कैसी है वो? डॉक्टर्स रिपोर्ट्स आने वाले हैं अभी। हाय नमो। हाय नताशा। नेमो, तुम बहुत टायर्ड लग रही हो, घर जाकर कुछ देर रेस्ट क्यों नहीं कर लेती? नताशा, अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो फिर चाची का ध्यान कौन रखेगा? वो अकेली इतना सब कुछ कैसे संभालेगी? कुछ टेस्ट भी लिए गए हैं, उनकी रिपोर्ट्स अभी आना बाकी है। कुणाल है ना यहाँ पर? ओह, कुणाल को शायद ऑफिस जाना पड़े, लेकिन डोंट वरी, आज मैं फ्री हूँ, मैं यहाँ पर रुक जाती हूँ। आई विल मैनेज एवरीथिंग। नहीं। हाँ निमो, तुम कुछ देर तो आराम कर लो। डोंट वरी। ओके। मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगी। थैंक्स नताशा। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। बस यही समझ लो कि मैंने कल तुमसे कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं नताशा, जो कुछ भी तुमने कहा वो सब तुम्हारे कहने का हक बनता है। आखिर तुम कुणाल की पत्नी हो, ये सारी बातें हो गई तो अच्छा ही हुआ। मुझे तुम्हारी कोई बात का बुरा नहीं लगा। मम्मी और पापा आज श्रीना द्वारा से वापस आ रहे हैं, मैं जल्दी जाकर वापस आती हूँ। Yes, ma'am. अगर रिपोर्ट आ जाए तो आप उन्हें दे दीजिए। ओके मैम, थैंक्स। वैसे कांता बहन, सब कुछ कैसे रहा? सब ठीक है, तुम लोग ठीक हो ना? बिल्कुल। अच्छा, ये देखो आ गई। अरे निम्मो आ गई है। कैसी हो बेटा? मैं बहुत अच्छी हूँ मम्मा, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। पापा कहाँ हैं? वो भी वापस आ गए हैं, बैंक का कुछ काम था तो बैंक चले गए हैं।
मामा ये बताइए दर्शन कैसे हुए? बहुत अच्छे हुए बेटा। वैसे बेटा ये ले, तेरे लिए प्रसाद लाए। एनीवेज बेटा अब परिणीता कैसी है? आप लोगों को परिणीता के बारे में कैसे पता चला? स्वाति ने हमें फोन करके सब कुछ बता दिया था, इसीलिए तुम जल्दी वापस चले आए। लेकिन आने से पहले श्रीनाथ जी के मंदिर में हमने तुम्हारे लिए एक छोटी सी पूजा करवाई थी ताकि तुम्हें हिम्मत मिले। बेटा अब डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? परिणीता के कुछ टेस्ट लिए गए हैं, उनके रिजल्ट अभी आना बाकी हैं। जैसे रिजल्ट आ जाएंगे तभी बता सकते हैं। निम्मो तू क्यों चिंता करती है बेटा? आजकल इतने अच्छे अच्छे इलाज निकले हैं, देखना परिणीता जल्दी ठीक हो जाएगी और हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। हाँ आपसे ही तो मेरी हिम्मत है। वैसे आप लोग बहुत थक गए होंगे ना, मैं चाय बनाकर लेके आती हूँ। अरे बेटा नहीं, तू बैठ ना, कांता बहन चाय बनाएगी और स्वाति को भी बुला ले। स्वाति कहाँ चली गई? कहीं सो तो नहीं रही अभी तक? एक मिनट मामा। स्वाति माथुरिया, पता नहीं कहाँ चली गई स्वाति। एक्सक्यूज मी सर, निम्मो जी ने आपको ये रिपोर्ट देने के लिए कहा था। थैंक यू। स्वाति, 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 ये क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, मैं नहीं चाहती कि कोई डॉक्टर आए। क्यों स्वाति, तुम हॉस्पिटल जाना चाहती हो? कहीं नहीं जाना चाहती, मुझे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। लेकिन स्वाति क्यों? क्योंकि क्योंकि डॉक्टर बता देगा कि मुझे क्या हुआ है। स्वाति तुम्हें क्या हुआ है? स्वाति प्रेग्नेंट। स्वाति प्रेग्नेंट है।